पचारो काली, अरे हमारी मदद करो मदद, अरे पया, अरे देखो इसे, ये औरत मर रहा है साहेब, इसको बचा लो साहेब, बचा लो, कोई हमारी मदद करो भगवान के लिए साहेब लोग, कोई है? अरे भल्लो, तू फिक्र मत कर, आज बॉम्बे बंद है, टैक्सी का स्ट्राइक है, लेकिन तू फिक्र मत कर धनो, भगवान के लिए कोई ना कोई हमारी मदद को तो आएगा ना धनो, लेकिन मेरा बच्चा रोड पर पैदा नहीं होगा, अरे तू फिक्र मत कर, अरे साहिब लोग कोई है, अरे हमारी मदद, अरे मेरी मदद करो, इस औरत को बचा लो साहिब लोग, अरे इसको बचा लो साहिब, क्या नाटक चल रहा है? हंस रहा है? अरे साहिब ये नौटंकी नहीं है, ये तो मिसाल फिल्म का डायलॉग है साहिब। मिसाल? हाँ मशाल होगा। हाँ वही साहब, हम कल ही देख ही रहे हैं ना। अरे साहब दिलीप साहब ने क्या चक्कर एक्टिंग किया है साहब, बेचारा चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ी रही है, लेकिन उनकी मदद को कौन नहीं आया, हम चिल्लाए हैं, आप भागे भागे चले आए ना, इसका मतलब समझे हैं साहब? क्या क्या हमारी एक्टिंग में कितना दम है साहब? अरे साहब हमको जल्दी जल्दी हीरो बना दो आप। अगर तू हीरो बनेगा तो वॉचमैन ही कौन करेगा? अरे ओके चिंता मत करो साहब, हमारे गांव में बहुत रिश्तेदार हैं साहब, किसी व्यक्ति को बुला देंगे, डंडा हाथ में पकड़ा देंगे और भू करा देंगे साहब। और उन्हें भी फिल्म का कीड़ा काटने लगा तो? अरे तो क्या हुआ साहेब, जब धर्मेंद्र विनोद खन्ना राजकुमार अपने अपने लड़कों को हीरो बना सकते हैं तो क्या हम अपने रिश्तेदारों को फिल्म में काम नहीं दिला सकते? अरे साहेब जो एक्टर बनने में मजा है ना वो वॉचमैन में नहीं। अच्छा? जरा सा मुंह पे चूना पोता कि रातों रात गाड़ी बंगला टेलीफोनिया अरे गैसवा नौकर चाकर सब कुछ आ जाते हैं साहेब। और जिंदगी हो जाती है फू फू। अबे ओ उल्लू के पट्टे, 25 साल हो गए मुझे धक्का खाते खाते, अभी भी बस के लाइन में खड़ा होना पड़ता है और तू रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। चल फोट, चल फोट। अरे ऐसा मत कहिए साहब, मैं आपके पिक्चर का हीरो हूँ। ए तू बोर मत कर, मुझे एक प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने जाना है, अगर जरा भी गलती हो गई तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पानी नहीं फिरेगा साहब, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, समय बांध के रख दूंगा, बस मेरा ख्याल रखिए साहब। वो तो ठीक है ठीक है। अरे कंबक मोहन गोखले अभी तक स्क्रिप्ट लेके नहीं आया, पता नहीं कहां मर गया। मैं जाकर लाता हूं साहब। नहीं मैं खुद चला जाता हूं। ठीक है साहब। मैं तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा, समझने की कोशिश करो, मुझे छोड़ के मत जाना, देखो मुझे छोड़ के मत जाना, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना साथ निभाने का। आई लव यू राधा, आई लव यू। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। अच्छा मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है और तुम भी मुझे चाहती रहना। क्या है, सौ 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 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रह। क्या लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मैंने हमेशा तुम्हें ही मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। अरे वाह बहुत अच्छे। और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा आज भी है और कल भी रहेगा, बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें चाहा और तुम मेरी हो। अच्छा क्या देख रहे हो? अरे मोनी मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी 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 खूबसूरत लग रही हो मोनी। मोनी खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरी मोनी को किसने बनाया, फाइलों में उसका नाम ढूंढता होगा। तुम भी तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ अरे तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे मैं पागल हूँ कहीं जाऊंगा, तो इतनी खूबसूरत लग रही हो मोनी। और शादी के बाद तुम पहली बार इतनी रोमांटिक हुई हो,
कितना लवलवाई हो। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ नहीं नहीं ऐ मोहनी तेरे लिए। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले मोहन बाबू को यहाँ बुलाइए। मोहन बाबू तो बिजी है। हाँ मैं देख रहा हूँ। कौन है बे कबाब हट्टी? मोहन बाबू आज एकदम रोमांटिक मूड में हो क्या बात? सर आज पहली बार शादी के बाद मैं इतना रोमांटिक मूड में आया हूँ और मैं चाहता हूँ आज इसका पूरा 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 फायदा उठा लूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो स्क्रिप्ट आपको टाइप करने को दिया था उसका क्या हुआ? अरे वही तो टाइप कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप टाइप कम और डांस ज्यादा कर रहे हैं। अरे सर क्या है, क्या आपकी राइटिंग में इतना दम है, इतना दम है कि आपकी स्क्रिप्ट पढ़ के मेरी वाइफ एकदम मूड में आ गई, एकदम रोमांटिक हो गई। इसने मुझसे कह दिया आज कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहो। अरे अरे मोनी, यही वो ग्रेट महान राइटर श्री विद्यापति जी जिनकी, हाँ नमस्ते करो। नमस्ते। इन्हीं की स्टोरी पढ़ के, स्क्रिप्ट पढ़ के तुम अंदर अंदर हिल गई हो, अंदर अंदर हिंडोले ले रहे हो, मूड में आ गए। सर ये तो बहुत मूड में आ गए। सर क्या लिखा आपने? अरे क्या लिखते सर, सब बहुत अच्छा लिखा, ग्रेट सर। सर सर अब तो सब पढ़ के और सब माहौल होने के बाद मुझे भी ये लग रहा है कि सर मैं आज घर पे रहूं और खूब हम लोग, मैं इनकी बहाओं में, ये मेरी बहाओं में, बस डूब जाए, खो जाए, झूलते रहे, झूलते रहे। क्या बात है विद्यापति जी, क्या अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है आपने। काश कि इस फिल्म की हीरोइन मैं हूँ। और हीरो मैं? नहीं, शाहरुख खान। मेरे खाब में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। क्या बात है, क्या फैमिली ड्रामा लिखा है आपने। थैंक यू थैंक यू। कितना प्यार करते हैं सब एक दूसरे से, बाप बेटे से, बेटा माँ से, बहू सास ससुर से। आहा। मोहन देखो ना किसका फोन है। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? डैडी आप आ गए? स्टेशन से बोल रहे हैं, मतलब पहुंच गए? एक सेकंड। अरे मोनी, मेरे मम्मी डैडी आ गए, मतलब तुम्हारी सास ससुर। हाँ हाँ हाँ, मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ तुरंत तुरंत निकल रहा हूँ। अरे मेरा स्क्रिप्ट तो दे दे जा। स्क्रिप्ट वो मोनी दे देगी, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, मैं भी डैडी को लेने। स्क्रिप्ट दे देना। देखा, इसे कहते हैं टेलीपथी। आपने स्क्रिप्ट की तारीफ की, आपके सास ससुर आ गए। अच्छी खबर है, अब मेरी स्क्रिप्ट की कहानी सुपर हिट, सास ससुर जो आ गए। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी स्क्रिप्ट लाती हूँ। हेलो मीनू। प्रोड्यूसर को फोन करना है। यार एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम, बोल ना। वो अचानक मेरे सास ससुर आ गए हैं, मोहन और लेने स्टेशन गए हैं। यार मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है। अरे बस, ये प्रॉब्लम तो मैं चुटकी बजाते ही हल कर सकती हूँ। पहले तू एक काम कर, अपने नौकरानी को छुट्टी दे दे। उससे क्या होगा? सास ससुर को फुटाने की ये पहली सीढ़ी है। मेरे भी जब सास ससुर आते हैं ना, तो मैं भी अपनी नौकरानी को छुट्टी दे देती हूँ और पड़ जाती हूँ बीमार। ये देख के वो वापस उल्टे पाँव चले जाते हैं। तू घर पे ही है ना, मैं भी आती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या बात है मोहनी जी, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है?
आपके सास ससुर जो आए हैं और चेहरा इतना उतरा उतरा सा। उन्हीं की तो चिंता है मुझे, सास ससुर की सेवा तो माँ बाप के जैसे करनी चाहिए ना। कितने पवित्र विचार हैं आपके, कितने नेक ख्याल है आपके। सास ससुर की सेवा करने के लिए आप कितनी उत्सुक हैं, कितनी व्याकुल है। मैं चलूं? मैं निकलूं? सीता जी, मेम साहब तू घर जा। क्या? पर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। वो सब मैं कर लूंगी, तू जा। लेकिन मेम साहब बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, इतना सब कौन मैंने करेगा? कहा ना, तू जा और 3-4 दिन के बाद आना। मुझे क्या करना है, चली जाती हूँ। क्या बात है सीधा, डांस से सीधा एंग्री मूड में क्यों आ गई? पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया है। हाँ? पहले तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं देती थी। हाँ? और अब कहने लगी 3-4 दिन के बाद आना। मैं मुझे क्या, मैं भी काम छोड़ के चली आई। अच्छा किया है ना। अच्छा मीनू तो आ गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अरे क्यों डर रही है पागल, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जो आ गई हूँ तेरी सारी परेशानी ठीक कर दूंगी। सुन, तूने काम वाले को छुट्टी दे दी ना? हाँ वो गई, लेकिन मीनू पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठ ही जा रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, मेरे सब आजमाए हुए नुस्खे हैं, चुटकी बजा दी सब ठीक कर दूं। आना मेरे साथ बैठ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, तू लेट जा। चल लोग आ गए। कुछ नहीं होगा, तू लेट ना, मैं सब संभाल लूंगी। लेट लेट ना, मैं हूं ना, डरती क्यों है? ये बलबल ले और अपने सर पे रख ले, समझी? मैं अभी आई हूं। मीनू तुम, मोनिका है ऊपर अपने बेडरूम में है, उसकी तबीयत खराब है। क्या अभी तो यार क्या हुआ है हमारी बहू को? एक तो घर में इतना काम करती है, ऊपर से रोज रोज मेहमानों का इतना आना जाना। अरे बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। चलो अच्छा खासा छोड़ के गया था, ये अचानक क्या हो गया? तुम ये क्या क्या हुआ, क्या है? अच्छा हुआ मोहन तुम आ गए, मुझे पता नहीं क्या हो गया अचानक। मम्मी पापा कहाँ हैं? हम यहाँ हैं बेटी। लेटी रहो लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? तुम लेटी रहो मोहिनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? वो क्या है मोहन? अरे विद्यापति जी, मोहिनी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सास और बहू का प्यार और थोड़ा डेवलप किया जाए तो कहानी में जान आ जाएगी। थैंक यू मेरे भाई। इन्हें क्या हुआ? अरे मैं स्टेशन गया और वापस आया तो देखा ये अचानक एकदम बीमार पड़ी है। अचानक बीमार पड़ी? हाँ, अब तक तो ठीक थी। जैसे ही आप गए अचानक मेरे सर में बहुत जोर से दर्द उठा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं आई तो ये बेहोश पड़ी थी। अरे वाह, बेहोश पड़ी थी। वेरी गुड, वेरी फास्ट, कट टू कट सीन।
क्लिनिशियन में अभी तक डॉक्टर नहीं आया। आए नहीं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने दवा दे दी है। अच्छा, दवा? आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी दवाओं के बारे में है। यानी नीम हकीम खतरा है जान। यही चल रहा हमारे घर में। आप सिर्फ दवाई के बारे में जानती है, लेकिन बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। विद्यापति, विद्यापति, उनको छोड़िए, इनके बारे में सोचिए, कुछ कीजिए। ये मेरी खूबसूरत वाइफ को अगर कुछ हो गया, विद्यापति जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत चाहता हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है, तुम जरा इन पर ध्यान रखना, इन पर। हाँ हाँ, मैं तब तक डॉक्टर को ले आता हूँ। आया भाई आया। आप कौन है? सीता? नहीं जी, मैं सीता नहीं, गीता हूँ, सीता की जुड़वा बहन। आपने वो फिल्म नहीं देखी, सीता और गीता? नहीं, वो तो देखी है। हाँ, तो मैं वही हूँ। और ये है डॉक्टर जुलू उदु अनमाकुलवा कुलवा अनमाकुलवा अनमाकुलवा कुलवा 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 अनमाकुलवा। इन्हें विद्यापति जी ने भेजा है। पर विद्यापति जी कहाँ हैं? विद्यापति एक प्रोड्यूसर को स्टोरी सुनाने गए। मरीज कहाँ? मरीज कहाँ? मरीज तो ऊपर है। तो हम यहाँ खड़े रह के क्या कर रहे हैं? कुलवाए, कुलवाए। रोमांटिक मूड से ही ये अचानक क्या शुरू हो गया मेरे घर में? ये किस कंट्री का भाई? डॉक्टर बीमार मैं नहीं, ये है। महीने भर पहले आप भी बीमार थी। हाँ। उसे छूत की बीमारी कहते हैं। हाँ। जो टेलीफोन पर बात करने से भी होती है। डॉक्टर अलवा कलवा। अलवा कलवा नहीं। हाँ। मेरा नाम है। मुझे मालूम नहीं, आगे बोलो आगे बोलो। डॉक्टर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज मेरी वाइफ का चेकअप करके बताइए इनको क्या हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वही तो कर रहा हूँ। क्या? अच्छा, वही तो कर रहा हूँ ना। अच्छा, करिए सर। इनकी बीमारी जी यहाँ से ट्रांसफर हुई है। अरे मुझे पता ही नहीं। नर्स? यस सर। नर्स? यस सर। नर्स? यस सर। यहीं पे हो सर। ये मेरा हाथ है, आप वहाँ देखिए। ये क्या तुम्हारा हाथ है? तुम जाना नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो, तुम्हारा अभी चेकअप करना है। सर सब ठीक तो है? ऐसे झटके खा रहे हैं आप? ये भयंकर बीमारी है। क्या कह रहे हैं सर? हैट पहन के? हैट? कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बहुत खूबसूरत बीबी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। देखो डॉक्टर खड़मक जुलवा जुलवा जुलवा। ये नहीं था, नीचे तो कुछ दूसरा बताया था। ये नहीं था, मैं भूल गया हूँ, फिलहाल यही समझ लो। ये भी बहुत कठिन है। देखो डॉक्टर, टेलीफोन सुनवा 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 के होते हुए इसे कुछ नहीं हो सकता। इसे जो इंजेक्शन दिया है उसका रिएक्शन हो गया है। मीनू है? मीनू है? सच सच बताना, तुम सच सच बताना, मेरी वाइफ को तुमने कौन सी दवा दी? सच सच बताना मीनू। मैंने कुछ नहीं दिया। सच सच बताना तुम। मैंने कुछ नहीं दिया। अरे मैं क्या करिए, बताओ कौन सी दवा दी है? मैंने कुछ नहीं दिया। वरना नर्स, मैं सच बोलने का इंजेक्शन देता हूं। ठीक हो गई, ठीक हो गई। नहीं वापस नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है, आप कीजिए ठीक है। बोल बेटी, बोलती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी बताओ, जितने तेजी से टाइम दौड़ रहा है उतनी तेजी से इनकी दिल की धड़कने इन्हें मौत के करीब ले जा रही है। वो ऐसे है, अगर आप बताने में देर लगाएगी तो उन्हें मरने में देर नहीं लगेगी। मैं बताती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। क्या है? देख, देख। मोहन, हाँ। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब कहानी इसी की गड़ी हुई थी, इसी ने मुझे मम्मी पापा के खिलाफ भड़काया था, ताकि मम्मी पापा मुझे बीमार जानकर जल्दी वापस चले जाएं। अच्छा, और तुम इसकी बात मान गई?
मुझसे यही तो एक भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा। नहीं 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 मोरे नहीं, तुझे माफी नहीं मिल सकती, नहीं। इसे माफ कर दे बेटा, ये आजकल की बहुएं हैं, अपनी थोड़ी सी आजादी के लिए ये अपने बूढ़े सास ससुर की जिंदगी बर्बाद करने में ही इन्हें मजा आता है। इन्हें पता नहीं होता कि माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई उनकी परवरिश पर खर्च कर देते हैं। लेकिन एक बात है बाबू, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं खुद उसी खड्डे में जाके गिरते हैं। अगर इनकी बातें मैंने टेलीफोन पे नहीं सुनी होती तो आपके साथ भी वही होता जो अपने सास और ससुर के साथ ये करती आई हैं। लेकिन अक्सर ये सब आप, मैं डॉक्टर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिल्म राइटर विद्यापति हूँ। विद्यापति? ये सब मैंने इनको सबक सिखाने के लिए किया। अरे यही तो मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। डॉक्टर साहब यू आर ग्रेट। कैसी रही?